चमोली में आज खेल महाकुंभ 2019 का समापन हो चुका है। जनपद स्तरीय प्रतियोगिताओं का समापन गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। इस अवसर पर जिला क्रीडा अधिकारी गिरीश चंद ने विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार दिया। युवा कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित जनपद स्तरीय प्रतियोगिता से जिले के 9 विकासखंडों के 4000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसमें इस खेल महाकुंभ में सूबे के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने भी भाग लिया था। खेल महाकुंभ 17 दिसंबर से आयोजित किया गया, जिसमें अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21 और अंडर 25 वर्ग के जो आयु के जो खिलाड़ी थे उन्होंने भाग लिया। कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं यहां आयोजित की गई। पहले आने वाले को 700 रुपये, 500 और तीसरे स्थान पर आने वाले को 300 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया गया। समापन अवसर पर अंडर 21 और अंडर 25 महिला ओपन वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बॉक्सिंग का आयोजन किया गया, इसमें ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है लड़कियों के लिए कि ऐसे कुंभ उसका वो हो रहा है, प्रतिभाग हो रहा है। इसमें लड़कियां बहुत अच्छी तरह से वो कर रहे हैं, पर लेकिन इसमें कमियां भी बहुत हैं। यहाँ ना खेलने के लिए कुछ नहीं है, सामान नहीं है, फील्ड नहीं है। हमें बड़ी मेहनत करके ये फील्ड बनाया है, जो खेलने के लिए यहाँ पे हमें जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने खुद अपनी मेहनत से करके ये फील्ड ग्राउंड के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। और इस साल प्रतियोगिता हमारी काफ़ी लंबी चली, 16 तारीख को बच्चे यहाँ आ गए थे, 17 से प्रतियोगिताएँ प्रारंभ हुई और आज प्रतियोगिता समापन अंडर 25 महिला ओपन से हुआ। और इसमें प्रत्येक एज ग्रुप वाइज प्रतिभागियों का चयन हुआ है। जैसे वॉलीबॉल में 7 प्रतिभागी बालक बालक वर्ग में, कबड्डी में 8-8 प्रतिभागी, खो खो में 10-10 प्रतिभागी ये जनपद स्तर पे से राज्य स्तर पे प्रतिभा करेंगे। मैं यहाँ पे शाम को बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, पहले जब पौरी सर यहाँ पे क्रीड़ा अधिकारी हुआ करते थे उस टाइम उन्होंने हमको बहुत अच्छे से बेस क्लियर किया था, ट्रेनिंग दी थी, हमें बुलाते थे स्टेट लेके हमको। तो मैं यहाँ पे मैंने देखा कि 7-8 साल से यहाँ पे हमारा बॉक्सिंग खत्म हो चुका है, सारे गेम धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और जिस तरह की हमको बहुत वो है, मतलब